हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय सर आप लोगों को आज कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर में टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करना। ये आप लोगों को आज मैं बताऊंगा और वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो इस बात का ध्यान रहे कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, पहली बात, बाइनरी नंबर क्या होता है? बाइनरी नंबर मींस टू डिजिट्स। बाइनरी नंबर कंटेन टू डिजिट्स, जीरो एंड वन। क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर समझता है और हम लोग जो जानते हैं नंबर 1, 2, 3 और भी जो नंबर है वो सभी डेसिमल नंबर होता है। और बाइनरी नंबर केवल कंप्यूटर ही समझता है, या लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, या जीरो एंड वन इसमें केवल होता है। तो सपोज करिए मैं 25 ले लेता हूँ। ये एक डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अब इस 25 नंबर को हम डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है और बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, इसलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब बचा कितना? रिमाइंडर 1 बचेगा। 25 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है। जो रिमाइंडर है वही राइट साइड हमें यहाँ पर राइट करना है, 1। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12। अब यह 12 पूरी तरह से कट गया। पूरी तरह से कटने का मतलब है कि रिमाइंडर 1 भी नहीं बचा, रिमाइंडर 0 है, तो हम 0 यहाँ राइट करते हैं। फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 ये भी कट गया, यानी कि 0 बचा रिमाइंडर। 2 1 जा 2 करेंगे तो 1 बचेगा रिमाइंडर, और 1 यहाँ पर हम राइट कर देते हैं। 1 में 2 से फिर डिवाइड अगर ले जाते हैं तो 0 टाइम जाएगा, 2 0 जा 0 और रिमाइंडर बचेगा 1। यही 1 हम यहाँ लिख देते हैं। सपोज करिए कि 2 से अगर हम 1 में डिवाइड करेंगे तो 2 0 जा 0 लेस करेंगे 1, रिमाइंडर कितना बचा? 1। यही 1 हम यहाँ पर राइट कर दिए हैं। अब देखिए, इस नंबर को अगर हम नीचे से ऊपर की ओर राइट करते हैं, राइट करेंगे 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। अब ये चेंज हो गया बाइनरी नंबर में, जिसका बेस 2 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 1 0 1, तो इसमें 1 और 0 के अलावा कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर है। अब ये बाइनरी नंबर हमारा करेक्ट आया है या नहीं आया है, ये हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए इसी बाइनरी नंबर को फिर से हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो यह जिस डेसिमल नंबर का है वही डेसिमल नंबर आएगा। जैसे 25 डेसिमल नंबर का है, ये बाइनरी नंबर में चेंज हुआ, 1 1 0 0 1 आया। फिर हम इस 1 1 0 0 1 को फिर से कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में, जो कि 25 आना चाहिए। तो अब हम इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं। देखिए, 1 1 0 0 1। अब इसको हम नंबरिंग करते हैं राइट साइड से, वंस की तरफ से नंबरिंग करते हैं। 0 होता है, इसका नंबरिंग ऐसे होता है, 0 1 2 3 4। अब इसके बाद हम राइट करेंगे 2 पावर 0 मल्टीप्लाई 1, 2 पावर 0 मल्टीप्लाई 1।
फिर 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 0 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 0 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 0 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 1 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 पावर 0, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 2 पावर 0 वैल्यू 1, 10 पावर 0 वैल्यू 1, 100 पावर 0 वैल्यू 1, 25 पावर 0 वैल्यू 1। तो किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 2 पावर 0 मतलब 1 है। 1 1 जा 1। 2 पावर 1, तो 2 पावर 1 2 ही आएगा। 2 का 0 में करोगे तो 2 0 जा 0 आएगा। अब 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 2 2 जा 4। 4 आया, 4 का 0 में करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। अगर यहाँ पावर कोई भी हो, अगर यहाँ पर 0 है तो उसका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर हम 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। अब 2 पावर 3 है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 है, 8 1 जा 8। 2 पावर 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये 16 आया। अब इसको हम प्लस कर देते हैं, 8 और 6 14 1 15 5 कैरी 1 1 1 2 25 आ गया। तो इस बाइनरी नंबर को अगर हम कन्वर्ट कर दिए हैं, बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर दिए हैं डेसिमल नंबर में, तो 25 आया, सेम नंबर आया। इसका मतलब ये हमारा बाइनरी नंबर करेक्ट है। तो ये डेसिमल नंबर है इसलिए इसका बेस हम 10 लगा देते हैं। तो इस तरह से कन्वर्ट कर दिए हैं बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में, और फिर इस डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया है। अब इसके बाद देखिए एग्जांपल और लेकर हम आप लोगों को बताते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। उस बार 25 लिए थे, आठ नंबर था, इस बार इवन नंबर लेते हैं कोई, जैसे मान लीजिए 56। टू टू जा 4, 1 बचा, 16 हो गया यहाँ पर, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0 बचा। फिर 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसमें भी रिमाइंडर 0 बचा। 2 7 जा 14, इसमें भी रिमाइंडर 0 बचा क्योंकि कट जा रहा है पूरा। 2 3 जा 6, इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है, 1 लिख देते हैं। 2 1 जा 2, इसमें भी रिमाइंडर 1 बच रहा है। 2 0 जा 0, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 0 0, 1 1 1 0 0 0। ये बेस 2 हो गया, ये बेस लगाना ज़रूरी है, इस नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं फिर से डेसिमल नंबर में। नंबर ले लेते हैं 1 1 1 0 0 0, डेसिमल नंबर हो गया। अब इसको नंबरिंग करते हैं राइट साइड से, वंस की तरफ से, इधर से 0 1 2 3 4 5। सर यहाँ पर 2 रहेगा क्योंकि बाइनरी नंबर है। 2 पावर 0 मल्टीप्लाई 0, 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 0, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 0, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 1, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 1, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 1, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 1। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ 0 है तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो जितना भी आएगा इसको 2 पावर 0 की वैल्यू 1 1 0 जा 0 ही आएगा। ये 2 पावर 1 यानी 2 2 0 जा 0, 2 पावर 2 मीन्स 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4, 4 0 जा 0। 2 पावर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2,
थ्री टाइम्स टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, टू टू जा फोर टू जा एट, यहाँ एट आएगा, एट वन जा एट, टू पावर फोर मीन्स टू फोर टाइम्स होगा, टू टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन है ये, सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन, इसी तरह फाइव टाइम्स होगा, टू टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन टू जा थर्टी टू, थर्टी टू वन जा थर्टी टू, ऐड कर लेते हैं, एट टू टेन सिक्स सिक्सटीन, सिक्स वन थ्री वन फोर वन कैरी फाइव, ये डेसिमल नंबर हो गया। तो ये डेसिमल नंबर जो 56 आया है इसका बाइनरी नंबर ये है, इस बाइनरी नंबर को जब हम कन्वर्ट कर दिए तो फिर 56 आ गया, इसका मतलब आपका आंसर भी करेक्ट है, जो कन्वर्जन हुआ है करेक्ट है। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से।